दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक केयर पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलजी के माइक्रोवेव MC2146BL। कन्वेक्शन मॉडल है ये। इसमें आप माइक्रो ग्रिल और कन्वेक्शन तीन जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बात करें इसकी कैविटी की, तो इसकी कैविटी जो स्टेनलेस स्टील की होती है, स्टेनलेस स्टील की कैविटी में रस्टिंग जल्दी नहीं लगती है। पाउडर कोटिंग कैविटी से ज़्यादा बढ़िया होती है। साफ़ करना आसान होता है। लाइफ लॉन्ग कैविटी चलती है ये। फीचर की बात करें तो इसमें आप माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हो, ग्रिल और कन्वेक्शन तीनों चीज़ें। माइक्रो आपको कुकिंग के काम आएगा, बॉइलिंग के काम आएगा, रीहीटिंग के काम आएगा। माइक्रो चलाने के लिए आपको पहले आप क्विक स्टार्ट जो इसमें स्टार्ट है एट 30 सेकेंड प्रेस करोगे, 30 सेकेंड के हिसाब से टाइम बढ़ता जाएगा। जितने टाइम के लिए आपने चलाना है चला दो, स्टॉप और क्लियर करोगे। एक बार क्रुक करोगे तो माइक्रोवेव रुक जाएगा, जिससे कि आप चेक कर सकते हो आपके जो आपने फूड पार्टिकल रखा है वो गर्म हो गया है या नहीं हुआ है। दोबारा से स्टार्ट वाला प्रेस करोगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से आपने बंद किया था। दो बार इसको प्रेस करोगे तो क्या होगा, प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप टाइम यहाँ से दे सकते हो, 10 सेकंड के लिए चलाना है। प्रेस करते जाओगे तो 10 सेकंड के हिसाब से बढ़ता जाएगा। 1 मिनट के हिसाब से बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ता जाएगा। 10 मिनट के हिसाब से बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ता जाएगा टाइम। स्टार्ट करोगे तो माइक्रोवेव फुल लेवल पे स्टार्ट हो जाएगा आपका। दो बार क्लियर बंद करोगे तो ये वॉश हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है कि अगर आप माइक्रो चलाते हो फुल पावर लेवल पे, तो ये 800 वॉट्स कंज्यूम करता है। तो ये 100% हो गया। 80% पे आप दिखा रहा है वॉट्स 640। फिर अगर आप 60% करते हो तो 480। 40% करते हो तो 2320 वॉट्स लेगा। और अगर 20% करते हो 160 वोल्ट लेगा। तो अब जैसे हम फुल पावर लेवल पे चला रहे हैं, कितने टाइम के लिए चलाना है, टाइम सेलेक्ट करना है और स्टार्ट कर देना है। इसमें आपका आप पावर लेवल के हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हैं। पावर लेवल का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, आपको लग रहा है कि बॉयल होकर बाहर गिरेगी, तो उसका पावर लेवल आप कम कर सकते हो। उसमें जो है वो मैग्नाटोन की पावर कम नहीं होती है। होता ये है कि जो 1 मिनट में जितने टाइम के लिए चलना था वो टाइमिंग कम हो जाती है उसके चलने की। पावर वही रहती है, बस टाइम कम हो जाता है चलने का। उसके बाद बात करते हैं ग्रिल की। अब माइक्रो में आपके जो बर्तन यूज़ होंगे, कांच के, प्लास्टिक के यूज़ होंगे। आप चीनी मिट्टी के भी यूज़ कर सकते हो। अगर रीहीटिंग करनी है तो आम बर्तन चल जाते हैं, लेकिन अगर आपने कुकिंग वगैरह करनी है तो बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए। ढक्कन लगाना है अगर आपने उसमें, तो एयर टाइट नहीं होना चाहिए। अगर एयर टाइट होगा तो वो ढक्कन स्टीम से खुल जाएगा, ख़राब करेगा वो। उसमें होल होना चाहिए। जैसे आप माइक्रोवेव का बर्तन यूज़ करते हो, उसको ढकते हो, तो उसमें होल होगा तो बढ़िया रहेगा। उसमें क्या होता है कि आसानी से स्टीम निकल सकती है, तो ढक्कन वगैरह टेढ़ा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। चलो आप बात करते हैं ग्रिल की। ग्रिल का बटन प्रेस करोगे, टाइम दे देना कितने टाइम के लिए चलाना है, वो स्टार्ट कर देना है। इसमें कोई पावर लेवल नहीं होता। ग्रिल में क्या होता है, एक तो ग्रिल में स्टैंड यूज़ कर सकते हो आप, प्लास्टिक के यूज़ नहीं होंगे इसमें। कांच के बर्तन कुछ एक चल सकते हैं, पर कांच में ग्रिल यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको बेसिकली क्या है, इसके साथ दो स्टैंड मिलेंगे आपको, दोनों में से कोई भी स्टैंड यूज़ कर सकते हो आप ग्रिल में। सिर्फ वो कलर ब्राउन करेगा, उसमें बेकिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कलर ब्राउन करने के काम आता है। जैसे आपने केक बना लिया माइक्रो में, ग्रिल में ब्राउन कर लिया, इसके काम आएगा। हाँ, अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में आप क्या होगा कि इसमें बेक होता है, बेक करना है आपने कोई चीज़ को, तो आप बेक कर सकते हो। तो इसको क्या है कि आप बेकिंग करोगे तो इसमें बेग होता जाएगा। तो इसमें आपको जो कन्वेक्शन में आप कैसे सेटिंग करनी है, आप प्रेस किया तो आप प्रेस करोगे तो ये 200 से लेके कम होता जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 220 तक इसमें डिग्री सेल्सियस है। तो 200 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको प्री हीट करने के लिए क्या करना है, हमने कन्वेक्शन पे डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए तो, और हमने प्लस करके जितना टाइम सेलेक्ट किया, मतलब जितनी डिग्री सेलेक्ट की वो स्टार्ट कर दिया, तो इसमें प्री हीट स्टार्ट हो गया। प्री हीट से क्या होगा कि जब भी आप बेक करोगे तो उसको प्री हीट करना ज़रूरी होता है। प्री हीट करोगे तो इससे बेकिंग बढ़िया होती है। ठीक है जी, जितनी डिग्री किया उसमें आप डिग्री सेलेक्ट कर ली, कन्वेक्शन चला के स्टार्ट कर दिया, तो प्री हीट मोड पर चले जाएगा।
प्रीहीट मोड में आप जाने के बाद जब प्रीहीट हो जाता है तो उसके बाद कोई भी चीज़ आप बेक करना चाहोगे तो बढ़िया से बेक होगी। इसमें आप कांच के प्लास्टिक के कांच के बर्तन जो बोरोसिल हैं जो उसमें डिग्री सेल्सियस वगैरह लिखा होता है वो यूज़ होंगे। 220 डिग्री तक ये चलता है तो आपको 20 डिग्री 220 डिग्री से ज़्यादा वाले बर्तन चाहिए अगर आप कांच के बर्तन यूज़ करें। बाकी ग्रिल चल जाएगा, ग्रिल स्टैंड होता है, बेकिंग के लिए तवा आता है जो ब्राउन तवा होता है वो चल जाएगा इसमें। मतलब कि आप कहने का मतलब इसमें मेटल यूज़ हो जाएगा लेकिन प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है आपने। उसके बाद इसमें कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन प्रेस करोगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन चलाना, माइक्रो का ग्रिल का जैसे चलाना है तो ग्रिल प्रेस कर देना। फिर माइक्रो पे आपने सेलेक्ट करना है कितने आपको चाहिए, मतलब कि 60% चलाना चाहते हो, 40% या 20%, ये आपको पूछ रहा है। जितना जो सा भी आपने चलाना है उसके बाद टाइम दे देना, कितने टाइम के लिए चलाना है और स्टार्ट कर देना। ये तो हो गया ग्रिल का कॉम्बिनेशन। कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन चलाना, कॉम्बिनेशन पे प्रेस कीजिए, कन्वेक्शन पे प्रेस कीजिए, 180 डिग्री कन्वेक्शन पे चलेगा। उसके बाद कौन सा कॉम्बिनेशन है चलाना है आपने, मतलब कि 60% माइक्रो चलाना है, 40% चलाना है या 20% चलाना है, वो करके स्टार्ट कर दो आप। तो आपका ये कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन चल जाएगा। पर कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन चलाना है तो आपको प्री हीट करना ही पड़ेगा, प्री हीट करना ज़रूरी है। उसके बाद बात करें ऑटो मेनू की, ऑटो मेनू में कई ऑटो मेनू दिए हैं जैसे लो कैलोरीज, तंदूर से, चाइल्ड के लिए पनीर कर्ड, तो इसमें कुछ कोड दे रखे हैं। कोड जो है उसके नाम जो है आपको मैनुअल पे मिलेंगे, ऑपरेटिंग मैनुअल मिलेगा उस पर मिलेंगे, ठीक है जी। अब मान लो हम कोई भी करते हैं इंडियन क्विजन पे जाते हैं तो इसको प्रेस करोगे तो ये C1 आ गया, जो C1 है जो मिक्स वेज का है। तो इसमें आप ये प्लस माइनस पे जाओगे तो ये क्या होगा, वेट पूछेगा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, स्टार्ट करोगे तो टाइम अपने आप ही ले लेगा, ठीक है। इसमें कुछ एक रेसिपीज दिए हुए हैं, जैसे जैसे यहाँ पे C1 है जो IC है, IC जो है इंडियन क्विजिन हो जाएगा। उसके बाद SC जो है स्पीड स्पेशल आ गया। ऐसे इसमें कोड दिए हुए हैं, वो आप कोड कोड के थ्रू आप कर सकते हो। और लो कैलोरीज में आपको जो से हेल्थ प्लस के जो है लो कैलोरीज में जैसे आ जाएंगे आपके, आप जाओगे तो इसमें क्या आएगा, HP हेल्थ प्लस वन। इसमें आपका आ गया जी हेल्थ प्लस वन में आ गया आपका काला चना, और काला चना आप बनाना चाहते हो तो इसको प्रेस करना है तो जाओगे जब प्लस पे तो पूछेगा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, स्टार्ट करोगे तो टाइम अपने आप ही ले लेगा इसमें। इसी तरह आप टी है, 1 कप है, 2 कप है, 3 कप, स्टार्ट करोगे टाइम अपने आप ही ले लेगा इसमें, ठीक है जी। अब इसमें दही में है, दही है जैसे आप प्लस करोगे तो कितना पूछेगा कि क्या है, पनीर बना रहे हो आप, स्टार्ट करोगे टाइम अपने आप ही ले लेगा। ऑटोमिनो में क्या होता है कि अमाउंट और क्वांटिटी फीड होती है, स्टार्ट करने से टाइम अपने आप ही ले लेता है। स्टीम क्लीन है इसमें, अगर आप साफ़ करना चाहते हो माइक्रोवेव को तो इसको क्या है, बॉयल में पानी भर के अंदर रख दीजिए, ठीक है जी, उसमें लेमन वगैरह निचोड़ दीजिए, स्टार्ट करोगे तो 10 मिनट के लिए चलेगा, स्टीम बन जाएगी, आप इसको साफ़ कर सकते हो, बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। माइक्रोवेव में बस इतना ही है, बढ़िया माइक्रोवेव है, इसमें आप तीनों मोड यूज़ कर सकते हो, माइक्रो, ग्रिल और कन्वेक्शन। थैंक यू, अगर आपकी हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।